अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे खीमा भरवा करेले। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेलों को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इसके ऊपर की स्किन हम नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ इसको बीच से ही अच्छे से काट लेंगे। और ये बहुत छोटी साइज़ के करेले हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे बीच से कट कर लिए हैं। छोटे होने की वजह से इसमें ज़्यादा बीज भी नहीं है और सभी करेलों को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें से पूरे बीज साफ़ कर लेंगे ताकि करेलों में जगह अच्छे बने और खीमे की स्टफिंग इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आए और फिर ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। फ्राई करने में भी हमें बहुत आसानी हो जाती है और करेलों का कड़वापन दूर करने के लिए हम इसके अंदर एक घोल बनाकर डालेंगे। इसी तरह ये देखिए, हमने सभी करेलों को साफ़ कर लिया और बीज निकाल लिए हैं। अब ये घोल हमने किस चीज़ का तैयार कर लिए ये देखते हैं। हमने इसके अंदर 2 नींबू का रस लिए है, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच नमक है और 1 चम्मच अजवाइन है इसमें कुटी हुई। इन सब को हम मिक्स कर लेंगे। इससे करेलों पर लगाने से करेलों का कड़वापन बिल्कुल दूर हो जाता है और करेले बिल्कुल भी कड़ू नहीं लगते हैं। इस तरह हम ये सभी करेलों के अंदर ये भर देंगे इसको अच्छे से हाथ से मसल कर, और 3 घंटे के लिए हम करेले रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। 3 से 4 घंटे हो गए हैं और ये देखिए करेलों में से कितना सारा पानी निकल आया है। ये कड़वाहट सारी इसमें निकल गई है। इसके बाद जो बची है हम उसे हाथ से दबाकर अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि जो भी पानी रह जाए वो भी निकल जाए और इसमें जितना भी नमक और उसका खटास है वो भी अच्छे से निकल जाए। और हम करेलों को बहुत साफ़ पानी से 2-3 मरतबा धो लेंगे ताकि ये खट्टे ना रह जाए। इसके बाद ये हमने टमाटर काट लिए हैं। ये 3 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, जिसे बारीक बारीक चॉप कर लिए। ये 1 चम्मच नमक है, ये है गरम मसाला 1/2 चम्मच, और ये 1 चम्मच हल्दी धनिया पाउडर है, ये लाल मिर्ची 1 चम्मच और हल्दी है 1/2 चम्मच, ये अदरक है बारीक कटी हुई, 1/4 कप दही है और 2 बड़ी इलायची है। ये देखिए करेले हमने कैसे कितने अच्छे साफ़ किए हैं। ये कोतमीर है और ये कटी हुई प्याज है बारीक 5, और ये है खीमा, ये 1/2 किलो खीमा है जिसे हमने अच्छे से साफ़ धो लिए हैं। तो चलिए गैस ऑन कर दिए हम, और अब हम उसके अंदर ये 2 बड़ी इलायची जिसे हमने टच कर लिए है थोड़ा सा, और इसके अंदर हम 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं, 1/2 चम्मच हल्दी, और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। हम इसमें अदरक लहसुन बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। और अब हम इसे ढक देंगे जब तक हमारा खीमा बिल्कुल अच्छे तरह से गल नहीं जाता। ये देखिए 5 से 6 मिनट के बाद खीमा इस तरह से हुआ है और अभी उसके अंदर पानी है, लेकिन हमें खीमे को तब तक पकाना है जब तक गल ना जाए और इसका पानी भी पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए। इसीलिए हम इसे थोड़ा और गलने के लिए रख देते हैं ढक कर। ये देखिए बिल्कुल 10 से 15 मिनट में खीमा गल गया है और पूरी तरह से ड्राई भी हो गया है। अब हमने ये कढ़ाई में प्याज डाल दिए और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है, हमें इसे पकाना नहीं है, सिर्फ हम ये मिक्स कर रहे हैं। अब हमने टमाटर भी डाल दिए, कोतमीर, मिर्ची डाल दिए, धनिया, गरम मसाला और ये नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए, और इसमें हमने 1/2 चम्मच हल्दी भी डाले, और यह है ज़ीरा पाउडर। इन सब को हम मिक्स कर लेंगे, सिर्फ हल्का सा हम मिक्स कर रहे हैं, हमने इसमें ऑयल भी यूज़ नहीं करे।
अभी हमें ऑयल भी इसमें यूज़ नहीं करना है, सिर्फ ये ऐसे ही थोड़ी कच्ची पक्की सब्ज़ी हम मिला लेंगे पूरी। अब हम इसमें खीमा डालेंगे और खीमा डालने के बाद भी हम इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल ड्राई होने देंगे 1 से 2 मिनट। ये देखिए सब मिक्स हो गया है और बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। अब यहाँ पर आप टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर नमक मिर्ची कम लगे तो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब हम एक करेला लिए, अब उसके अंदर ये स्टफिंग को भरेंगे, अच्छा ज़्यादा भरेंगे और इसे इस तरह से सब दोनों तरफ से फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर एक धागा लपेट देंगे, धागे को हम अच्छे से लपेटेंगे ताकि जब हम करेले फ्राई करें तो अंदर का खीमा बाहर ना निकले और सब करेले हमारे अच्छे से फ्राई हों। इस तरह सभी करेलों में हम खीमा भर लेंगे और सबको पहले हम तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दिए है और उसमें हमने ये तेल पहले से ही अच्छा गरम कर लिए। अब हम मीडियम फ्लेम करने के बाद इसमें करेले डालेंगे। करेलों को हम मीडियम फ्लेम पर ही 3 से 4 मिनट तक गोल्डन कलर आने तक फ्राई करते रहेंगे। ये देखिए अच्छा सा कलर आ रहा है। इसी तरह हम सभी करेलों को फ्राई कर लेंगे। इसमें जो हमने स्टफिंग बिल्कुल कच्ची कच्ची रखे थे वो इस तरह से तलने से बिल्कुल अच्छे से पक जाती है, इसीलिए हमने अंदर की स्टफिंग प्याज टमाटर को ज़्यादा नहीं पकाए थे, बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए हमारा आधा खीमा बच गया है और करेले भी पूरे तरह से हमारे फ्राई हो गए हैं। ये देखिए अब हम इसकी थोड़ी सी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ये हमने तेल कम कर दिए और जो बचा हुआ खीमा था हमने पहले इसकी भुनाई बिल्कुल भी नहीं करे थे, तो अब हम इसे भूनेंगे। जो बचा हुआ खीमा है हम उसे भून रहे हैं और इसमें मैंने 2 बारीक हरी मिर्च काट कर डाल दी हूँ। हमने करेलों के अंदर नहीं डाले हैं हरी मिर्च, सिर्फ ये खीमे में ही मिला रहे हैं ताकि थोड़ा सा ये तीखा हो जाए। अब ये टमाटर और प्याज बिल्कुल गलने तक हम खीमे को भूनेंगे, इसलिए कि पहले हमने बिल्कुल भी इसकी अच्छे से भुनाई नहीं की, इसीलिए अभी हम यहाँ मसाला अच्छे से पकने देंगे। 5 मिनट होने के बाद हम इसके अंदर दही डालेंगे। ये 1/4 कप है दही मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे हम जल्दी से चमचा चलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि दही इसमें अच्छे से मिल जाए। तो आपको कैसे लगी मेरी ये खीमा भरे करेले रेसिपी मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ये देखिए मसाला अच्छे से भूनते हुए हमें 5-6 मिनट हो गए हैं और दही का पानी भी अब ड्राई होने लगा है। हम इसे 2 से 3 मिनट ढक्कर रख देते हैं ताकि हम ऑयल ऊपर आ जाए और ये जितना भी दही का पानी है वो भी सूख जाए। ये देखिए मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है, खीमा अच्छे से पक गया है, टमाटर भी पूरी तरह से घुल गए हैं इसमें। अब हम इसके ऊपर करेले लगा देंगे। इस तरह से सभी करेलों को हम ये खीमे के ऊपर रख देंगे। और ये बारीक कटी हुई अदरक है, हमने इसमें अदरक लहसुन नहीं यूज़ किए हैं, सिर्फ अदरक ही हम इस तरह ऊपर से डाल रहे हैं इसमें। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें हम 1.5 कप पानी डालकर 10 मिनट के लिए धीमी आंच के ऊपर ढक्कर रख देंगे। लीजिए 10 मिनट हो गए हैं, खीमा करेले बनकर तैयार है। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।